हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुजुकी एल्टो, और जैसे कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सुजुकी एल्टो की वीडियो बनाए, सुजुकी एल्टो आ गई। 2012 का मॉडल है पूरी गाड़ी, जेन्युइन है सिर्फ बम्परों के अलावा। बम्पर जाहिर सी बात है कराची से इलाके में बम्पर वगैरह तो टचअप हो जाते हैं। बहरहाल गाड़ी पूरी है जेन्युइन बता रहे हैं भाई, और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में है, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। और टायरों की कंडीशन भी देख लें, 10/10 है। तो जाहिर सी बात, जिस तरह की गाड़ी होती है उस तरह की कीमत भी होती है, और आजकल वैसे भी गाड़ियों की कीमत थोड़ा सा हाई फाई चल रही है। हमारा बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, और डिगी साइड से देखते हैं गाड़ी को। तो डिगी से गाड़ी देखी जाए बिल्कुल सीलें साफ़ सुथरी हैं, कोई इसमें नहीं है गली हुई सीलें जो होती हैं, साफ़ सुथरी है। और ये साइड भी नोट करने की होती है गाड़ी की, इसकी बिल्कुल अच्छी हालत में है। और तो अंदर की साइड से गाड़ी चेक कर लेते हैं। ये साइड थोड़ा सा क्लोज है, इस वजह से मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहा ये साइड आप लोगों को। बहरहाल गाड़ी बिल्कुल ही साफ़ सुथरी, और जैसे कि गाड़ी 2012 की होनी चाहिए गाड़ी, उसी तरह से एल्टो VXR AC CNG पेट्रोल नॉर्मल साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसमें। और तो मीटर साइड देख लें गाड़ी की, बिल्कुल ही साफ़ सुथरी है। और अंदर से इंटीरियर ऐसे जैसे कि अभी शोरूम से निकाली हुई है। गाड़ी की तारीफ नहीं कर रहा, गाड़ी बिल्कुल इसी तरह की है। बाकी डिमांड इसकी पूछे पता चलेगा गाड़ी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से डिमांड क्या है इसकी। बाकी ये पूरी गाड़ी जेन्युइन है। इंजन रूम से भी एक बार विज़िट करा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो इंजन रूम की बात करें तो इंजन रूम बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है इस गाड़ी का, और टिकली वगैरह देख सकते हैं आप लोग, बैटरी कंडीशन देख लें, और जो साइड पे देख लें हल्का सा ये निशान है। बहरहाल इधर से थोड़ा सा कलर जो होता है ना, जिसमें से कंपनी दोबारा करती है, तो उसमें से हल्का फुल्का सा है। बाकी गाड़ी पूरी ओवरऑल ज़बरदस्त कंडीशन में। एक बार फिर देख लें सीट, अगर आप लोग समझते हैं इसको तो इसको कोई इशू तो नहीं होता। बहरहाल फिर भी आप लोग देख लें, कुछ लोग बताते हैं और क्या डिमांड है वो पूछ लेते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें भाई? 7/35 को MBBS हो जाएगी रेट में, अगर कोई आपसे रब्ता करे तो थोड़ी बहुत हो जाएगी। ठीक है, कितने ओनर में गाड़ी है? फर्स्ट ओनर। कोई कामकाज गाड़ी में? AC CNG पेट्रोल सब वर्किंग में, टैक्स वगैरह क्लियर है। लोकेशन क्या है आपकी? नॉर्थ नाजमाबाद। नंबर बता दीजिए अपना। 0333 0393 0390 6000। क्या नाम है? ताहिर भाई का नाम है। और लोकेशन वगैरह दे दिए भाई की मैंने, और नंबर वगैरह अभी स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लें। 2012 का मॉडल है सुजुकी एल्टो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुजुकी मेहरान, और सुजुकी मेहरान 2005 का मॉडल है, और ये टचअप में है सिल्वर कलर, समझो कि 50 कह सकते हैं टचअप है, और 50 जेन्युइन है सिल्वर में। और टायरों की कंडीशन 10/10 है, नए टायर इंस्टॉल है इसके अंदर। बाकी जो स्टेपनी होती है इसकी अपनी, 2005 का मॉडल है। और पिछले टाइम से देखा जाए तो गाड़ियों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और क्योंकि पहले आप लोगों को पता था ये 2005 तक का मॉडल 260-270 की गाड़ी थी, तो अभी जो है 300+ है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे हालात हैं उस हिसाब से तो गाड़ियों की कीमत बढ़नी है। हमारा कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी के अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, बाहर से ये 50% टचअप है और 50% गाड़ी ये जेन्युइन है, और CNG नहीं है ये, और थ्रू पेट्रोल पे मेरे ख्याल में ये गाड़ी। हमारा वो पूछ लेते हैं VXR है या VX है। तो अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी है। ओके, रूम की बात करते हैं, रूम क्या है? तो रूम से कुछ इस तरह से, रूम से पूरी ये गाड़ी जेन्युइन है। बाकी हल्का फुल्का जो पानी की वजह से जंग है, बाकी गली भी नहीं है गाड़ी है। गाड़ी पेट्रोल से है जी, बता दिया मैंने, CNG नज़र नहीं आया मुझे। क्लियर आए? ठीक है ठीक है। अच्छा डिमांड आए, डिमांड क्या करो था?
डिमांड 63 63 अगर कहीं के खपे कोई कमी पेशी थी में दी रेट में हाँ थी अगर किसी को चाहिए तो कमी पेशी भी रेट में हो जाएगी ठीक है टैक्स वगैरह ये सील ले मैं वो बात कर लेता हूँ अच्छा इसका टैक्स वगैरह सब क्लियर फाइल ओके कोई काम काज गाड़ी में नहीं नहीं कितने ओनर में गाड़ी है ये दो तीन ओनर में अच्छा कहाँ रिटर्न फाइल में मिलेगी रिटर्न फाइल में अच्छा कितने वो लोकेशन कहाँ की आपकी इसी इलाके की यहाँ कुरंग इसकी न्यू कराची की तरफ 11D ठीक है 11D की तरफ की लोकेशन है भाई की और नंबर वगैरह भी ले लेते हैं भाई से तो नंबर बता दीजिए अपना यार मैं भाई का नंबर दे दूँगा जो तो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बोलान है और 2010 का मॉडल है पूरी गाड़ी है जेन्युइन है और ये मेरान वाला बंदा था इसी की बोलान है तो इसका भी रिव्यू कर लेते हैं साथ ही तो नंबर एक ही साथ मैं ऐड कर दूंगा। बहरहाल गाड़ी साइड में देख सकते हैं आप लोग गाड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है और 10/8 कंडीशन बता सकते हैं इसकी टायरों की जो है। बहरहाल इस गाड़ी का वही कहूँगा कि इतनी सारी गली भी नहीं है गाड़ी जो साफ़ सुथरी कंडीशन में है 2010 का मॉडल है बोलान और इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी क्या सुजुकी बोलान का रिव्यू करें तो सुजुकी बोलान आ गई हमारे पास और बैक साइड से कुछ इस तरह से और यहाँ स्पेस कम है इस वजह से मैं थोड़ा सा साइड से सही तरह से नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को लेकिन ये गाड़ी साफ़ सुथरी है वीडियो में आप लोगों को शायद किस तरह नज़र आ रही हो कुछ पता नहीं बता सकता मैं आप लोगों को तो गाड़ी साफ़ है पर इसकी भी डिमांड पूछ लेंगे इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं और कितने ओनर में टैक्स कितना पेड है जी जी और ये मीटर साइड तकरीबन ये 90,000 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी है और इसकी ये फ्रंट साइड जो होती है गाड़ी की कोई यहाँ पे बिछाए हुए नहीं है फिलहाल गाड़ी साफ़ है इसकी भी डिमांड पूछ लेते हैं 2010 का मॉडल है ये इसकी क्या डिमांड करें आप हाँ 6-10 इसमें भी कमी पेशी हो जाएगी रेट में ठीक है टैक्स वगैरह पेड इसका कितने ओनर में ये गाड़ी ये भी दो तीन ओनर में तीसरे ओनर में बताए दूसरे ओनर में तीसरे में ठीक है भाई तीसरे ओनर में गाड़ी है ये और इसकी भी वही लोकेशन है 11D वाली बाकी नंबर दोनों का एक ही साथ ऐड कर लेना मैं नंबर भी बताया था आप लोगों को बस इसका बंदा थोड़ा सा गया हुआ है काम से और आ जाए तो नंबर लेके मैं आप लोगों को दे देता हूँ दोनों गाड़ियों का एक ही नंबर होगा और एक ही मालिक की गाड़ियाँ हैं 11D का ये लोकेशन है इसकी भी जहाँ पे संडे बाज़ार लगती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाम बता यासीन भाई का नाम है अच्छा नंबर बता दीजिए अपना 0331 3597 9101 ठीक है भाई यासिन भाई के पास ये गाड़ियाँ होंगी दोनों अगर आप लोगों को चाहिए कोई भी गाड़ी समझ में आ रही है मेरान और बोलान से तो इन भाई के साथ रब्ता कर लें यहीं की लोकेशन है 11D की जहाँ ये संडे बाज़ार लगता है। शुक्रिया। अभी तक हम लोग बाज़ार में ही हैं और कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बना लें और गाड़ियों का रश इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे इतनी जगह नहीं हो रही कि पूरी तरह से गाड़ी बंदा विजिट कर सार। तो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रेबॉन 2006 का मॉडल है होंडा तो गाड़ी है पूरी जेन्युइन बता रहे हैं बारह स्क्रेचेस वगैरह हैं हल्के फुल्के तो वो साइड थोड़ा सा क्लोज थी इस वजह से मैं उस साइड से नहीं दिखा पाया इस साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और टायरों की कंडीशन भी 60% तक डन कह सकते हैं तो गाड़ी वैसे थोड़ा सा बारिश की वजह से जो लगे हुए हैं पानी वानी के थोड़ा सा निशान आते हैं इस वजह से थोड़ा साफ़ नज़र नहीं आ रही बहरहाल गाड़ी साफ़ है तो बैक साइड से कुछ इस तरह से 2006 का मॉडल होंडा रेबॉन तो अंदर की साइड भी विज़िट कर लेते हैं दरवाजे वगैरह भी चेक कर लेते हैं गाड़ी किस कंडीशन में है तो दरवाजे की कंडीशन कुछ इस तरह से डोरियाँ सही हैं इसकी डोरियों में मतलब कि अंदर से भी देख सकते हैं गाड़ी मेरे ख्याल में ये गाड़ी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं की हुई और ये बारिशों की वजह से जो अभी हाल ही में कराची में बारिशें हुई उनकी वजह से इनकी ये हालत हुई है बहरहाल गाड़ी साफ़ है वैसे तो हल्के फुल्के स्क्रेचेज होते हैं लाजमी बात है 2006 का मॉडल है और पावर स्टेयरिंग पावर विंडो पावर मिरर और बड़ा ही आला डैशबोर्ड क्योंकि रेबॉन होंडा के काफ़ी मॉडल जो आ रहे हैं सिविक वगैरह सिविक रेबॉन और जैसे कि आप होंडा में देख लें डॉल्फिन से लेकर आगे जितने भी मॉडल आए हैं उनके बड़े ही प्यारे इसके इंटीरियर आए हैं और अंदर से जो डैशबोर्ड की जो डिज़ाइन है बड़ी प्यारी डिज़ाइन है साफ़ सुथरी गाड़ी अंदर से भी तो LCD लगी हुई है इसमें मैनुअल में तो रूम की कंडीशन भी देख लेते हैं इंजन रूम की क्या हालत है
तो 1.6 इंजन है इसका, लेकिन इंजन चेंज है, बुक पे अपडेटेड नहीं है। रसीद वगैरह तो है ना इंजन की? ठीक है, अभी इंजन इसका नया नया डलवाया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ है, और रसीद वगैरह भी है इनके पास, लेकिन बुक पे अपडेटेड नहीं है। अगर आप लोगों को लेनी है तो उसके बाद फिर बुक पे अपडेट करवाना पड़ेगा आप लोगों को इंजन। तो इंजन रूम से भी बड़ी प्यारी कंडीशन में है, और इसीलिए वगैरह बोनट की देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में। बाकी रेट वगैरह क्या है वो भी पूछ लेते हैं इस गाड़ी के। कोई एक्सीडेंटल गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है, अपडेट नहीं है, सॉरी, अपडेट करवाना पड़ेगा आप लोगों को। रसीद वगैरह जो होती है वो भाई के पास है। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर जी इसके? आप 11 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, कमी पेश हो जाएगी रेट में, किसी को अगर चाहिए आपसे रब्ता करे कोई तो? मेरे 10-60 फाइनल है मेरी। 10-60 ही फाइनल है। कहाँ की लोकेशन है गाड़ी? औरंगी टाउन की। ठीक है, और टैक्स वगैरह? टैक्स क्लियर है। टैक्स भी है, क्लियर है। ठीक है, कितने ओनर में ये गाड़ी है? पाँचवें ओनर में गाड़ी है। ठीक है, अच्छा नंबर बता दीजिए। 03222 0322 736588 736588। ठीक, क्या नाम है आपका? इमरान भाई का नाम है। और किसी भी भाई को गाड़ी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो भाई से रब्ता कर लें आप लोग। 2006 का मॉडल है, टैक्स वगैरह पेड है, इंजन चेंज है, लेकिन बुक पे अपडेटेड नहीं है, उसकी रसीद वगैरह मिल जाएगी। और ये गाड़ी सनरूफ में, ये बता दूँ मैं आप लोग, ये बताना भूल गया ना, लेकिन सनरूफ में है गाड़ी। थैंक यू। पता नहीं यार, ये नहीं कोई और है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी लोग हमें मना भी कर रहे हैं कि यार वीडियो नहीं बनाए, पता नहीं शायद कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर सब मना नहीं करते तो हम बहुत सारी वीडियो बना के चले जाते हैं। आपके तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए हैं अभी तक, हम लोगों ने 21 मिनट की वीडियो बनाई है। ठीक है, तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 2011-2017 की रजिस्ट्रेशन में, वेट्स पूरी गाड़ी है, जेन्युइन है, सिल्वर कलर में। तो गाड़ी साइड में से कुछ इस तरह है, कोई स्क्रैचेस नहीं है इस गाड़ी में, और गाड़ी टोटली जेन्युइन है, और यहाँ पे हल्की सी रगड़ है इस गाड़ी में, बाकी ये गाड़ी मुझे जेन्युइन नज़र आ रही है। बहरहाल फिर भी लेते वक्त फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से, वेट्स 2011-2017, तो ड्राइवर साइड से कुछ इस तरह से। तो टायरों की कंडीशन भी एक बार विज़िट कराए थे, टायरों की कंडीशन किस तरह है? तो अभी ये दरवाज़ा भी चेक कर लेते हैं, तो दरवाज़ों की कंडीशन क्या है। दरवाज़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और अंदर से भी पूरी गाड़ी जेन्युइन है, बाहर से पूरी गाड़ी जेन्युइन है। कौन सा मॉडल है? 2011-2017। तो साइड से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने में मसला हो रहा था, तो अभी यहाँ से दरवाज़ा खोल के आप लोगों को चेक करा रहा हूँ। गाड़ी बिल्कुल पूरी जेन्युइन गाड़ी है, नो डाउट, और लेते हुए गाड़ी को फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लें। ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी है, गियर साइड LCD, पीछे बैक कैमरा भी लगा हुआ है, और ये मीटर साइड तकरीबन 1,10,000 के आसपास ये गाड़ी चली हुई है। क्या डिमांड है भाई? डिमांड भाई आगे से पूछ ले, वो मालिक खड़ा हो गया इधर। तो गाड़ी माशाल्लाह साफ सुथरी है, डैशबोर्ड की कंडीशन देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी। तो सिल्वर कलर 2011-2017। तो रूम से कुछ इस तरह से, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में रूम है इसका, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, 2011-2017 वेट्स। तो डिमांड क्या है वो भी पूछ लेते हैं, 2011 का 11-17। तो ड्राइवर साइड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कंडीशन में है, और प्राइस सुन रहे होंगे आप लोग, फिर भी मैं आप लोगों को पूछ के बता देता हूँ पूरी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम, जमा पूंजी करके रखी है, जमा पूंजी करके रखी है। क्या डिमांड करें सर जी इसके आप? 15.5 कमी पेशी हो जाएगी रेट में, अगर कोई आपसे रब्ता करे तो? 15 लाख की फाइनल हो जाएगी। लोकेशन कहाँ की है? ये पापोश नाजमाबाद के। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड़ इस गाड़ी का? कितने ओनर में है गाड़ी? फर्स्ट ओनर। कोई काम काज गाड़ी में, सस्पेंशन में या कहीं और? अच्छा जी, नंबर बता दीजिए अपना। 0300-924-8507। तो आहिस्ता से बताएंगे मैं यहाँ स्क्रीन पे। 0300-924-8507। क्या नाम है आपका? इरफान।
इरफान भाई का नाम है और ये गाड़ी इस भाई के पास होती है पापोश नगर, और 2011-2017 की रजिस्ट्रेशन में टोयोटा विट्स। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है पूरी, ये गाड़ी जेन्युइन में है। तो मज़ीद भी वीडियो बनाते हैं, अभी भी चल रहे हैं, देखते हैं कैल्टो खड़ी हुई सामने, इससे भी पता कर लेते हैं क्या। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुजुकी कल्टस 2005 दिसंबर 2006 की रजिस्ट्रेशन में ये, और गाड़ी कह सकते हैं कि 80% तक गाड़ी ये जेन्युइन है, 20% से कहीं कहीं से ये गाड़ी टचअप है। तो ये गाड़ी बड़ी ही कम कीमत वाली है, पूरी वीडियो देख लीजिएगा आप इस गाड़ी की, क्योंकि जो इसके रेट हैं वो भी आप लोगों को समझ आने वाले हैं। और ये गाड़ी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा टाइम रुक पाएगी ये, और ये सेल हो जाएगी जल्दी, इसकी कीमत भी मुनासिब मांग रहे हैं। और कोशिश करें, अगर किसी को समझ में आ रही है गाड़ी तो ये गाड़ी बेहतरीन है, कम पैसों में है। अगर आप लोगों को समझ में आती है गाड़ी तो आप रब्ता कर लें। तो सिल्वर कलर में गाड़ी, तो अंदर की साइड से विज़िट कराया था मैं आप लोग, और छत से विज़िट देख लें आप लोग। तो दरवाजे में कंडीशन देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ़ सुथरी है। तो ड्राइवर साइड की चेक करते हैं, कोई गली भी नहीं है, ठीक है। वो तकरीबन 78,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है, गाड़ी बिल्कुल असम कंडीशन में है। किसी भी बाइक को समझ में आ रही है तो टाइम ज़ाया ना करें और गाड़ी ये ले लें, क्योंकि अगर कोई ब्रोकर भी ये गाड़ी लेता है तो तकरीबन ब्रोकर को 30-40,000 का फ़ायदा मिलेगा। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से गाड़ी, और पैसेंजर साइड के दरवाजे में आप लोग विज़िट करा देता हूँ। मुझे मालूम है अंकल, लेकिन अभी 6-7 महीने। तो दरवाजे माशाल्लाह चारों ही बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, और गाड़ी भी तकरीबन के 80% में गाड़ी जेन्युइन है, और 20% कहीं कहीं से टचअप है। और कीमत क्या है वो भी पूछ लेते हैं। तो रूम से कुछ इस तरह से गाड़ी है, बस छोड़ दे मैं लगा खड़ा हूँ। तो न्यू बैटरी इंस्टॉल्ड है, न्यू बैटरी, और ये रेडिएटर जो है ना, रेडिएटर नया रखवाया हुआ है, ठीक है। और रेडिएटर भी इस गाड़ी का नया रखवाया हुआ है, और ये टिकली साइड गाड़ी देख सकते हैं आप लोग। तो ये गाड़ी साइड कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, बहरहाल इसके क्या रेट हैं वो पूछ लेते हैं, बहरहाल गाड़ी समझ में आने वाली है ये। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है सर जी इसके, क्या डिमांड है आपकी? 5.5 डिमांड, कमी पेशी हो जाएगी रेट में किसी, ठीक है, कमी पेशी भी हो जाएगी रेट में, 5.5 डिमांड कर रहे हैं। और लोकेशन कहाँ की आपकी? नॉर्थ नाजमाबाद, ठीक है। टैक्स वगैरह पेड इस गाड़ी का? बिल्कुल 20 तक टैक्स, ठीक है। और ओनर कितने में? ओनर होंगे 3 मेरे ख्याल में, थर्ड ओनर में गाड़ी है, ठीक है। कोई कामकाज गाड़ी में, कोई सस्पेंशन में या कहीं और? नहीं नहीं, बस ये सिलेंसर थोड़ा सा लीक है, ठीक है, सिलेंसर वगैरह लीक है बस, उसमें थोड़ा 500-600 रुपये काम जो आता है। एसी वगैरह वर्किंग है? एसी वर्किंग है, सीएनजी पेट्रोल दोनों पे? सीएनजी पेट्रोल, ठीक है। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, फैक्ट्री फिटेड, हाँ इसमें ऐसे ही आता है, 5 और 6 में से फैक्ट्री फिटेड आया है। वो तो 14 में आके फिर सीएनजी दोबारा लगवाने की कोशिश की, क्योंकि वो फिर थ्रू पेट्रोल पे गाड़ियाँ इन लोगों ने निकाली थी, ठीक है। अच्छा नंबर बता दीजिए अपना। 0300-0300-2293-2293-702-702। क्या नाम है आपका? शहजाद भाई का नाम है। किसी भी भाई को गाड़ी समझ में आ रही है, और 2005 दिसंबर 2006 की रजिस्ट्रेशन में गाड़ी, सिल्वर कलर, सुजुकी कल्टस।